कई बार कहानी वहां से शुरू नहीं होती जहां किरदार आज रहते हैं, बल्कि वहां से शुरू होती है जिस शहर को किरदार ने छोड़ दिया होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमांशी एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन वेलकम और वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैंने पढ़ाई का इसलिए बोला क्योंकि इस चैनल को ज़्यादातर वही लोग देखते हैं जो SSC या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड मैं सुबह उठ के अपने डेली रूटीन के वर्क किए, कुछ खाना पीना किया, नीचे जाके चाय पी। सबसे पहले मैं उठ के बालकनी में बैठ गई थी आज, क्योंकि आजकल मौसम ठंड वाला रहता और सुबह सुबह धूप आ गई थी, तो बैठ गए थे बालकनी में एंड वहाँ पे चाय के साथ वोकैबलरी रिवाइज की एंड फिर खाना खाने चले गए नीचे, क्योंकि वोकैबलरी मैंने बहुत सारी रिवाइज कर ली थी, टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। और फिर मम्मा ने बोला कि नीचे आ जाओ, कुछ खाना खा लो, क्योंकि ठंड में क्या होता है, गर्म गर्म खा लें तो ठीक है, वरना ठंडा होने के बाद फिर खाने का मन नहीं करता। इसलिए मैंने गरम गरम खाना खा लिया था लस्सी के साथ एंड फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। आजकल के बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम रहती है कि वो अगर किसी चीज़ से तंग हो जाते हैं, कोई चीज़ उनको अंदर ही अंदर खाए जाती है, तो वो एक जगह पे ही पड़े रहते हैं, बिल्कुल एक रूम के अंदर ऐसे रहते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस चीज़ से हमें रिलैक्स फील होता है हमें वो चीज़ करनी चाहिए। हमें कहीं बाहर जाना चाहिए, अगर हमें मंदिर में जाके अच्छा लगता है तो आप मंदिर में जाओ, थोड़ी देर के लिए आराम से वहाँ बैठ के आओ, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको मूवी देखनी है तो मूवी देख लो, चलो अगर मूवी नहीं देखनी तो ऐसे समझ लो कोई आपकी फ्रेंड है, उनसे आपको बातें करने में अच्छा लगता है, उसके घर पे चले जाओ, थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड करके आओ और फिर उसके बाद आके सोचो कि भाई कुछ तो करना होता है, हमेशा ऐसे नहीं रहना होता। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे को बताया कि उसकी क्या फिलोसफी है, वो करती है कि अगर मुझसे दौड़ा नहीं जाता तो मैं चलती हूँ और अगर चला नहीं जाता तो मैं रेंगती हूँ। मतलब इस तरह रहेंगे तो क्या है, लेकिन इस तरीके से बताया कि एक जगह पे नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ डेली ट्राई करना चाहिए। तो बस यही मैं आप सभी को कह रही हूँ कि कभी भी एक जगह पे मत रुको, कुछ ना कुछ डेली करो। तो अभी पढ़ने के बाद मेरे को दोबारा भूख लगने लगी थी तो फिर मैं दोबारा चली गई थी और मैंने सोचा एक बार ब्रेक ले लेते हैं, इसलिए मैं खाना खाते हुए सौरव जोशी का व्लॉग देख रही थी, जो कि मैं डेली देखती हूँ, आदत हो गई है बिल्कुल उनका व्लॉग देखने की। तो वो व्लॉग देखने के बाद मैं दोबारा ऊपर आ गई हूँ, फिर मैंने सोचा कि वोकैबलरी रिवाइज कर लेती हूँ सही से, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, आजकल के बच्चे सोचते हैं कि वोकैबलरी के बिना हो जाता है पेपर, वोकैबलरी ज़रूरी नहीं है। वो सोचते हैं कि वोकैबलरी को रटना होता है, इतने याद कौन करेगा, इतने वर्ड्स छोड़ देते हैं, इसके बिना भी हम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वोकैबलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, इतनी और इंग्लिश क्या पता ना है जितनी वोकैबलरी का यूज़ होता है, क्योंकि वोकैबलरी का हर क्वेश्चन में यूज़ होता है, ऐसे नहीं होता भाई सिनोनियम एंटोनियम सिन में ही यूज़ हो, कोई भी सिंपल क्वेश्चन होगा ना उसमें भी कुछ ना कुछ अगर आपने वोकैबलरी याद की है तो आपकी हेल्प ज़रूर होगी। और वोकैबलरी रटना नहीं होता, वोकैबलरी को समझ के भी हम कर सकते हैं। तो तरुण ग्रोवर सर की आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उन्होंने वोकैबलरी की भी करवाई हुई है और बिल्कुल सही से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी वो सब करने के बाद मैं आ गई बाहर, आजकल ठंड का मौसम रहता है तो देखो सूरज भी आ गए हैं लेकिन बिल्कुल फिर भी ठंड है, फिर भी बिल्कुल सही से धूप नहीं गई। और मैंने बना ली चाय और चाय लेके मैं दोबारा आ गई, मैंने थोड़ी देर के लिए चाय पी और ऐसे YouTube पे एक दो शॉर्ट्स वीडियोस ऐसे देख ली, फिर उसके बाद मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गई। क्योंकि आप ना बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक ले लो अगर आप थक जाते हो, तो ऐसे मत करो कि आज नहीं करते हैं कल करते हैं, ऐसे तो फिर होगा ही नहीं। हाँ, ब्रेक डाउन सबका होता है, डेली होता है, ये भी मैं नहीं कह रही डेली, तो हर दूसरे दिन हो जाता है किसी ना किसी चीज़ में, तो उससे हार नहीं माननी होती, हमें आगे बढ़ना होता है। तो अभी हमारे, मैंने आप सभी को बताया ही था कि कॉलेज के एग्ज़ाम्स आ गए, तो हमारी डेट शीट भी आ चुकी है। अब इस 15 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, मेरा 16 का फर्स्ट पेपर है एंड उसके बाद एक दिन की छुट्टी है, फिर इंग्लिश का है, फिर दोबारा एक दिन की छुट्टी है, फिर मैथ्स का है, फिर उसके बाद छुट्टी है ही नहीं, फिर दो पेपर कंटिन्यू है।
तो बिल्कुल टेंशन हो गई है सभी फ्रेंड्स के बीच में कि भाई कैसे करें, एकदम से डेट शीट आ गई। फिर सभी कहते वैसे ये तो होना ही था, क्योंकि पता सबको था कि डेट शीट आएगी, लेकिन जब एकदम से डेट शीट आ गई ना, तब सभी हिल गए। मैं जैसे ऐसे ही पढ़ रही थी, फिर उसके बाद मैंने व्हाट्सअप चलाया तो व्हाट्सएप पर देखा वो इतने सारे मैसेजेस, तो देखा सभी ऐसे बोल रहे हैं कि डेट शीट आ गई, डेट शीट आ गई, डेट शीट आ गई। फिर हमने थोड़ी बहुत प्लानिंग की कि अब से कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे ज़्यादा हम करने वाले हैं मैथ्स, क्योंकि और सब्जेक्ट हो जाएंगे। 15 से एग्ज़ाम्स हैं और ऐसे लगा लो हमारे पास 14 डेज है, तो दो मैथ्स हैं, 17 डेज एक मैथ्स को, 17 डेज दूसरे मैथ्स को। और मतलब और सब्जेक्ट भी करेंगे, लेकिन उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। अब आज मैं बिल्कुल सही से वो करने वाली हूँ, अपना शेड्यूल बनाने वाली हूँ कि किस दिन मैं कौन सा चैप्टर करूँगी, कितनी देर के लिए करूँगी, तो वो सभी करने वाली हूँ। तो अब मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हर हर महादेव।